टाइलर पेरिस डाइवोर्स इन दी ब्लैक ये एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है जो एवा नाम के कैरेक्टर के बारे में है। एवा बैंक में काम करने वाली एक प्रोफेशनल औरत है जिसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है जब उसका पति उनकी शादी तोड़ने की बात करता है। इस सब की वजह से वो लड़ने का फैसला करती है क्योंकि उसके हस्बैंड ने इसके अलावा भी बहुत कुछ किया है। तो दोस्तों ये एक काफ़ी नॉर्मल कहानी है जिसमें आपको ये पता चलता है कि ब्लैक लोगों का डाइवोर्स के बारे में क्या सोचना है। मतलब मूवी का टाइटल ही है डाइवोर्स इन दी ब्लैक, इसी से आपको बहुत कुछ पता चल जाता है। इसका डायरेक्शन अच्छा है और प्रेजेंटेशन भी मुझे डिसेंट लगा, जहाँ पर डायरेक्टर ने डिटेलिंग पर काफ़ी मेहनत की है। काफ़ी सारे सीन्स को टाइम लेकर दिखाया है जिसकी वजह से हमें सिचुएशंस के बारे में पता चल सके। इस सब की वजह से आप मूवी के ड्रामा के साथ कनेक्ट तो हो जाते हो लेकिन ड्रामा आपको एंगेजिंग फील नहीं होता। परफॉर्मेंसेस अच्छे तो है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव या फिर रियलिस्टिक नहीं लगते। मूवी के कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग नहीं है जिसकी वजह से आपको कैरेक्टर्स कुछ खास पसंद नहीं आते। कैरेक्टर्स को डेवलप करने की कोशिश तो की है लेकिन राइटिंग में गड़बड़ होने की वजह से आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट फील नहीं होता। कैरेक्टर्स के साथ आप इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो पा रहे हो तो कहानी भी आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगती। ये लगभग 2 घंटे की मूवी है जो कुछ जगह पर काफ़ी स्लो भी हो जाती है, तो इसका स्क्रीन प्ले भी इफेक्टिव नहीं है। हालांकि सिनेमाटोग्राफी बढ़िया है जिसमें आपको कुछ ब्यूटीफुल सीन्स भी देखने को मिलेंगे। मूवी में कुछ थ्रिलिंग मूवमेंट ज़रूर है लेकिन टेंशन बिल्डिंग सीन्स ना के बराबर है। फर्स्ट हाफ फिर भी अच्छा है लेकिन सेकंड हाफ मुझे काफ़ी प्रेडिक्टेबल लगा। काफ़ी नॉर्मल सी स्टोरी लाइन है जिसमें आपको कुछ भी यूनिक देखने को नहीं मिलता। बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ जगह पर अच्छा था और इसमें कुछ एडल्ट सीन्स भी है तो इसे आप फैमिली के सामने नहीं देख सकते। प्रो ऑडियंस को ये पसंद नहीं आएगी और ओवरऑल भी मूवी मुझे सिर्फ ठीक लगी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से इसे आपको देखना चाहिए। मैं इस मूवी को दूंगा 4/10। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी एक बार चेकआउट ज़रूर करना।